है नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल्स 420 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में कि कल हमें मार्केट के कौन से अच्छे लेवल पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। आज का काफ़ी शानदार मार्केट रहा, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रैप्स भी किए, लेकिन एट द एंड मार्केट सुपर क्लोजिंग थी, मस्त रहा मार्केट। आज अपनों ने ऑल ओवर एक अच्छा जीरो जीरो ट्रेड भी किया लाइव स्ट्रीम पर। लास्ट एक्सपायरी का 0.40 का 200 गया था, इस बार एक्सपायरी का 30 रुपये का प्रीमियम बाय किया जो हाई लगभग जो है 100 समथिंग मारा। ऑन एन एवरेजली सुपर अपना मार्केट रहा आज का। एट द एंड मार्केट अच्छा रहा, बीच में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लाइक ऑन एन एवरेजली ये व्यू था मार्केट का। कल का क्लोजिंग अगर मार्केट ब्रेक करेगा, कल का जो हाई था, कल का जो एक साइडवेज मार्केट था, उसका मार्केट जब भी हाई ब्रेक करेगा ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट में एक बाय तो 110% बनता ही था क्योंकि ये साइडवेज था, ठीक है, साइडवेज मार्केट था, कंसोलिडेशन मार्केट था। तो ये जब भी मार्केट एक गैप डाउन होने के बाद इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम, एक यहाँ पे अपन वेट किए, डी हाई ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट का एक इंतजार किया, तो यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ, यहाँ मार्केट एसएल हंटिंग वगैरह हुआ। लेकिन जैसे ही एक जो मार्केट था आपका रेंज के अंदर आया, मार्केट में सेलर्स आने लगे, एम पैटर्न वगैरह बनाया, 40,000 का लेवल जो था वो ब्रेकडाउन किया, मार्केट बहुत शानदार पानी पानी हुआ। सो मस्त रहा, एट द एंड मार्केट अच्छा रहा। अब यहाँ से मार्केट के अपने क्या व्यूज हो सकते हैं, सो दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, और मैं मेरा व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट को लेना चाहूँगा, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को समझने का ट्राई करिएगा। लास्ट स्विंग मार्केट का ये था, यहीं से मार्केट लगभग लगभग आपका इस प्रकार से चलने लगा है, ठीक है। सो ये एक स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, जो बायर्स है जिसे बोलते हैं पोजिशनल जो थे, ठीक है, जो पोजिशनल अपना ट्रेड लेके चलते हैं, उन भाई लोगों का सभी का एक सीई का ट्रेड कंटिन्यू हो रहा होगा, हो रहा होगा नहीं होगा कभी से, एक सीई का ट्रेड कंटिन्यू हो रहा होगा। यहाँ स्विंग बना, ये मार्केट का एसएल बना, जब आज मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन रहा, ठीक है, जो रुका उसका भाई का यही एक सेफ स्विंग हाल फिलहाल का यही था मार्केट का, कौन सा वाला, ये था। लेकिन आज का जो मार्केट रहा एक गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस प्रकार गया, तो मार्केट में 110% में यहाँ एक ये जो स्विंग क्रिएट हुआ, ये मार्केट का एक एसएल पॉइंट बनता था, ठीक है। जितने बायर्स था उन सभी का मार्केट का कौन सा बनता था, ये वाला मार्केट का स्विंग बनता था। ये मार्केट आपका इस प्रकार चला, मार्केट में ये स्विंग यहाँ शिफ्ट हुआ, एग्जैक्टली मार्केट स्विंग टू स्विंग पे काम करता है, चीज को समझिएगा। जब मार्केट में ये वाला स्विंग जो बना था, ये जो एक नॉर्मल एसएल था, क्योंकि लगभग आप यहाँ से नोटिस करेंगे मार्केट में स्विंग्स ब्रेक नहीं हुए, ठीक है ना, अभी तक मार्केट में एक भी लास्ट स्विंग जो है मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ। अभी आज मार्केट का लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, आज का डे लो ब्रेक हुआ, ऑन एन एवरेजली मार्केट अच्छा खासा बेयरिश क्लोज हुआ है। क्या हुआ है, बेयरिश मार्केट में एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सो यहाँ से लगभग लगभग मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हुए मिलते हैं नॉर्मली। अब अपन कौन से लेवल्स में मार्केट में कल काम करने वाले हैं, कल का मार्केट गैप डाउन होता है, गैप फ्लैट ओपन होता है, तो उसमें अपन क्या व्यू रख के चलेंगे, उसमें मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूं आपके साथ। यहां सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सपोर्ट अगर बात की जाए, तो वो लगभग लगभग सबसे पहले आज का जो क्लोजिंग हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सो यहाँ मैं एक मार्कडप करूंगा इसका, 39,550 का है, 39,550 का लेवल है, कौन सा, 39,550 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए है। तो याद रखिएगा मार्केट का क्लोजिंग प्राइस, मार्केट का ओपनिंग प्राइस, डे का हाई और डे का लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण लेवल्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपन मार्केट में देखते हैं अभी जो आपका टेक्निकल चल रहा है, अभी का जो टेक्निकल बन रहा है, अभी के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फिर उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रीवियस में अपन जाके मेजर करते हैं। पुराना प्राइस एक्शन काम का है, लेकिन पहले जो अभी हाल फिलहाल बना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, वर्तमान का पहले, उसके बाद जो पहले पुराना है उसको साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ अगर अपन नोटिस करें तो यही जोन अगर आप मार्केट का लेके चलोगे तो लास्ट टाइम का काफ़ी अच्छा है। कौन सा जोन था एकदम सही बताइएगा, हाँ बाइंग जोन था, सॉरी सेलिंग जोन था, एग्जैक्टली सप्लाई एरिया था, मार्केट इसी के नीचे हो रहा था। आज मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है ऑन एन एवरेजली। सो कल का मार्केट के मैं अपने लिए क्या भी हो सकते हैं मैं आपको शेयर करूँ, अगर कल का मार्केट आपका बैंक निफ्टी का
फ्लैट ओपन होता है, एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होता है और मार्केट आज का जो डे लो है, आज की जो क्लोजिंग है, इसको क्लोज करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है मार्केट। ठीक है, आपका यहाँ मार्केट ओपन होता है, कहीं फ्लैट ओपन होता है, ब्रेक डाउन करता है, अपन मार्केट में एग्जैक्टली पीई का बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। 39,400 आपका फर्स्ट टारगेट, ब्रेक डाउन करता है डायरेक्टली, अपन मार्केट में स्विंग टू स्विंग चलेंगे 39,200। ठीक है, क्योंकि सेलिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग आता है, इस चीज को समझिएगा। और अगर कल का मार्केट आपका इस स्विंग के अंदर आता हो मिला, ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम को जो देख के अपना पोजीशन लेके चल रहे होंगे भाई लोग, वो सभी भी ऊपर जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे बाइंग वगैरह किए होंगे, जो ब्रेकआउट कैंडल रहा आपका डे टाइम फ्रेम का, उस पर बाइंग वगैरह किया होगा, वो सब भी ट्रेप होते हुए मिलेंगे। तो मार्केट यहाँ से काफी अच्छा पुट रैली दे सकता है। गैप डाउन मिलता है मार्केट तो थोड़ा सा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिला तो कंटिन्यू कर लेगा, अगर एक नहीं बहुत बड़ा गैप डाउन मिला तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि गैप डाउन आपका पैसा खा जाएगा। ठीक है, ऑन एवरेज समझिएगा, अगर गैप डाउन मिलता है तो जिन्होंने भैया यहाँ से पोजीशन बनाई है बहुत बड़े गैप डाउन पे, मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करेंगे। फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा और छोटा अगर गैप डाउन है तो थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट में मार्केट में बेरिश ओपन बन सकते हैं। गैप अप होता है मार्केट, थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज का एक अच्छा रैली मार्केट को मिला ये वाला, तो यहाँ अगर मार्केट गैप अप होता है तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करके ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है। ये मार्केट का एक अच्छा, यहाँ का सी सेल कर सकते हैं, यहाँ का बी सेल कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रंगल वगैरह बना सकते हैं, इस प्रकार का मार्केट आपका बन पाएगा। ठीक है, अगर गैप अप मार्केट होता है। ठीक है, इसी के बाद अपन निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 की क्या स्थिति है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, स्क्रीन पर पहली बार बना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। निफ्टी में भी अच्छा सेल बना है, इंपोर्टेंट लेवल निफ्टी का आप समझ जाइए, निफ्टी का आपका इंपोर्टेंट लेवल आपका एग्जैक्टली है एक ट्रेंड लाइन आई थिंक। ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ओके, तो आप इस प्रकार का एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में ड्रॉ कर लीजिएगा। उसी के साथ आज का जो एग्जैक्टली डे लो है उसको भी निफ्टी 50 में ड्रॉ जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपका एक जोन है। तो आज के डे लो पे अपन निफ्टी 50 का एग्जैक्ट इस प्रकार से लगाएंगे, जो कि आपका 17,050 का राउंड लेवल है, 17,050 का राउंड लेवल है। प्लेट ओपन होता है नीचे, राउंड लेवल 17,000 का याद रखिएगा, बहुत बड़ा राउंड नंबर का लेवल है, राउंड लेवल का नंबर है। सो इसीलिए अपन थोड़ा अग्रेसिव नहीं हो पाएंगे, सो निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करके बैंक निफ्टी में ट्राई करेंगे। अगर करना है निफ्टी में तो वही सीन है कि 17,050 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, 17,000 फर्स्ट टारगेट लेके मार्केट में पुट जा सकते हैं। गैप अप गैप डाउन, गैप अप होता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, गैप डाउन होता है बड़ा गैप डाउन मार्केट कंटिन्यू सेल करता हुआ मिल सकता है, छोटा गैप डाउन पे मार्केट एक थोड़ा सा रिकवरी करके वापस सेलिंग का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ये मेरा निफ्टी 50 का आपके लिए व्यू होने वाला है। इसके बाद एक बार फिर निफ्टी को भी देखा जाएगा, फिर निफ्टी की क्या स्थिति है। ओवरऑल आज का वोलेटाइल मार्केट रहा, फर्स्ट हाफ अच्छा खासा अप गया, सेकंड हाफ वापस अच्छा खासा वन साइडेड मार्केट डाउन आया, सो दो साइड मार्केट मोमेंटम किया आपका, इस चीज को समझिएगा। फिन निफ्टी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,710 का, लगभग 17,700 का लेवल आप निफ्टी फिन का लेके चलना, फिन निफ्टी का 17,700 का महत्वपूर्ण लेवल है। फ्लैट ओपन होता है, ब्रेक डाउन पे अपन एक ट्रेड का ट्राई करेंगे, गैप डाउन जो आपको नॉर्मली बैंक निफ्टी के व्यू शेयर किए उसी प्रकार निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन अगर गैप डाउन करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक डाउन करता है मार्केट, 17,600 तक के मार्केट के फिन निफ्टी के टारगेट अपने बन सकते हैं। गैप अप होता है मार्केट को थोड़ा सा देखेंगे, एक दिन वापस मार्केट अगर कल कंटिन्यू अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है मार्केट एक दिन लगभग अपन देख के चलेंगे, उसके बाद जब आज का हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में वापस अपन बुलिश बनने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आज का एक काफी अच्छा बेयरिश रैली हमें देखने को मिला है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, ये लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं लगे हैं इस वीडियो में से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में लर्निंग मिला है आपको, किस प्रकार अपन आने वाले कल में मार्केट को समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग 9 बजे से दिन में 3 बजे तक आपके साथ लाइव में भी जुड़ते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, मिलते हैं कल मॉर्निंग मंडे, कल मॉर्निंग लाइव में 9 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए द बिग बुल 420 के साथ।